चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम सॉल्यूशंस का अभी तक बेसिक कंसेप्ट देखे थे, अब सॉल्यूशन के बारे में इस लेवल पे 12 लेवल पे जो जानना है उसके बारे में हम लोग अब स्टडी करेंगे। अब हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये जो सॉल्यूशन है यहाँ पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन में हम आपको बताए थे बाइनरी सॉल्यूशन। यहाँ पे जो भी स्टडी करेंगे वह हम बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे, और बाइनरी सॉल्यूशंस वैसे सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिसमें क्या है दो कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट को क्या नाम दिए थे आपको पता है, सॉल्वेंट कहते हैं इसको, और इस कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते थे। अब इस सॉल्यूट और इस सॉल्वेंट के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा कि वह सॉल्यूशंस मेरा कैसा बन रहा है। यानी आप जान लीजिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन बना रहा है वो सॉल्यूशन का कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है जो इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। अब ये सॉल्यूट मेरा कितने तरह का हो सकता है ये देख लीजिए। सॉल्यूट या तो वोलेटाइल हो सकता है। अब वोलेटाइल का मतलब समझिए, वोलेटाइल का मतलब या नॉन वोलेटाइल, उड़नशील हो सकता है या जो वोलेटाइल नहीं हो वो उड़ने वाला नहीं हो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन वोलेटाइल। या तो वोलेटाइल हो सकता है या नॉन वोलेटाइल हो सकता है। ये सॉल्वेंट या तो वोलेटाइल हो सकता है या क्या होगा नॉन वोलेटाइल। अगर यह वोलेटाइल है, अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो उस सॉल्यूशंस का जो कंपोनेंट का वोलेटाइल है तो वह सॉल्यूशन भी मेरा वोलेटाइल हो, वह सॉल्यूशन क्या होगा वोलेटाइल। अब वोलेटाइल से क्या है, अगर वह वोलेटाइल है तो वह गैसियस फेज में कन्वर्ट करेगा, और गैसियस फेज में अगर कन्वर्ट किया तो यह प्रेशर डेवलप करेगा। क्या करेगा, डेवलप्ड प्रेशर, और ये भी आपका प्रेशर डेवलप करेगा। अब प्रेशर कैसे डेवलप करेगा, कितना प्रेशर डेवलप करेगा, इसी का कैलकुलेशंस हम करना चाह रहे हैं। अगर नॉन वोलेटाइल है, अगर नॉन वोलेटाइल को अगर किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में अगर मिला दें तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल को नॉन वोलेटाइल के साथ मिलाएं तो क्या होगा, ये जानना है। अब सपोज कीजिए कि यहाँ पे हम किसी कंटेनर में, ये क्लोज कंटेनर है और इसमें हम क्या किए हैं, सॉल्वेंट लिए हुए हैं। क्या लिए हुए हैं, प्योर सॉल्वेंट है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, और ये कंटेनर मेरा कैसा है, क्लोज है। आप बताएंगे कि ये सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल हो, अगर यह सॉल्वेंट वोलेटाइल हो तो क्या लगता है क्या होगा, ये सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल हो तो यह गैसियस फेज में इवेपोरेट होगा कि नहीं होगा। क्योंकि यह मेरा कंटेनर क्लोज है तो इसमें जो गैसियस कंपोनेंट आएगा वह गैसियस कंपोनेंट यह अपने आप यह मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में कोलाइड करेगा, या यह मॉलिक्यूल इस कंटेनर के सरफेस से कोलाइड करेगा, और इस कोलाइड इस कोलिजन के कारण एक प्रेशर डेवलप होगा। उस प्रेशर को हम मान लेते हैं P, तो वो प्रेशर कितना डेवलप करेगा इसको हम जानना चाहते हैं। और सपोज कीजिए कि ये जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है और यह कैसा है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल है, यह कुछ ना कुछ प्रेशर डेवलप कर रहा है। अगर हम इस कंटेनर में, यह कंटेनर सेम टू सेम कंटेनर है, और इस कंटेनर में जितना वाटर आप लिए थे उतना ही वाटर ही आप लीजिए, या प्योर सॉल्वेंट लिए हैं प्योर सॉल्वेंट लीजिए, यह प्योर सॉल्वेंट है,
कैसा है जी? वोलेटाइल है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, ये सॉल्वेंट है, इसमें कुछ अमाउंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम डिजॉल्व कर दे रहे हैं। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व करते हैं, क्या लगता है? इस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिजॉल्व करने से क्या अंतर आएगा, क्या चेंजिंग आएगा, आप इसमें बता सकते हैं? मान लेते हैं कि यह प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा यहाँ पे। कुछ समय बाद जब यह मॉलिक्यूल्स अगर वोलेटाइल हुआ तो ये जो प्रेशर डेवलप कर रहा है वह पी नॉट है। कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है? पी नॉट डेवलप कर रहा है। अब जब इसमें हम सॉल्यूट डिजॉल्व कर दिए, कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो यह मेरा बन गया क्या चीज? सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन में जो प्रेशर आएगा वह क्या है, यह मान लेते हैं यह पी सॉल्यूशन, इसको लिखते हैं, यह सॉल्यूशन का प्रेशर है। अब यहाँ पे इस पीनट में और इस पी सॉल्यूशन में क्या अंतर होगा? यहाँ का प्रेशर और यहाँ के प्रेशर में क्या अंतर होगा अगर इस प्योर सॉल्वेंट के साथ हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्या कर दिए हैं, मिला दिए? तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखिए, और इस मैकेनिज्म के माध्यम से हम आपको इस प्रेशर को भी डिफाइन करेंगे। कैसे कम होगा, तो थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म हम देख रहे हैं, इसको माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करने जा रहे हैं कि अगर ये जो पार्टिकल्स है, ये आपका पार्टिकल था, सपोज कीजिए यह कौन सा पार्टिकल है, यह मेरे प्योर सॉल्वेंट का पार्टिकल को दिखा रहा है। इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर जो फेनोमेनन होता है वह देखिए, यह कंप्लीटली सपोज कीजिए अगर वाटर है तो वाटर आपका क्या होगा, यह कुछ पार्टिकल इवापोरेट होगा, और जब इवापोरेट होगा तो वह गैसीय स्टेज में जाएगा, तो उसका कोलिजन होगा, और कॉलिजन के बाद वह क्या करेगा, अपना एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, वह कंडेंसेशन भी हो, क्या होगा, कंडेंसेशन हो। यानी यह आपका प्योर सॉल्वेंट के केस में कुछ पार्टिकल आपका इवापोरेट कर रहा है, कुछ पार्टिकल कंडेंस कर रहा है, तो शुरू में इवापोरेशन का रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ समय बाद फिर कंडेंसेशन जब होना शुरू हुआ तो यह इवापोरेशन का रेट कम होने लगेगा और कंडेंसेशन जो है आपका इंक्रीज करने लगेगा। एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी इससे उड़ने का जो रेट है, जिस रेट से उड़ रहा है वो उड़ रहा है वो गैसियस है, लेकिन जब वो गैसियस कंपोनेंट ज्यादा होगा तो ये उड़ने का रेट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यह कंटेनर ऑक्युपाई हो जा रहा है। अब वह यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगा गैसियस मॉलिक्यूल का, आपस में कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा, तो यहां से क्या होगा, वह कंडेंस करेगा, और जब कंडेंस करेगा तो फिर आपका क्या होगा, वह लिक्विड में। और इस जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर आएगा उसी प्रेशर को हम ये आपका पीनट इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये प्रेशर है क्या, या वेपर प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे, इसी को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। अब यह मॉलिक्यूल्स एक जब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आएगा तो वहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वह प्रेशर वेपर प्रेशर है। और अब जब इस प्योर सॉल्वेंट के साथ अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, तो आप जान लीजिए, सपोज कीजिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐसे स्टार से दिखाएं। अब यह स्टार का मॉलिक्यूल, स्टार मॉलिक्यूल जब आ जाएगा वोलेटाइल सॉल्वेंट के बीच में, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो सरफेस एरिया है, जो प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया था, वह सरफेस एरिया कम जाएगा। सरफेस एरिया कम क्यों कम हो गया, क्योंकि इस वाटर मॉलिक्यूल अगर हम ले प्योर सॉल्वेंट के तौर पे, तो इस वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ गया है वह सॉल्वेंट की एरिया को ही ऑक्युपाई किया होगा। तो इस तरह से सॉल्वेंट का जो वोलेटिलिटी है, जो उड़ने का जो रेट है, वह उड़ने का रेट, वह इवापोरेशन का रेट, वह कम जाएगा। क्यों कम जाएगा, क्योंकि
मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल है उसके बीच में क्या आ गया, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट आ गया है, और इस तरह से नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट आने के कारण उसका एरिया कम गया है, और जब एरिया कम जाएगा तो उसका उड़ने का वेपराइजेशन जो है वह कम जाएगा, और जब वेपराइजेशन कम जाएगा यानी वेपर यहाँ पे कम आपका ही आएगा, तो उस कंडीशन में इसका वेपर प्रेशर भी क्या जाएगा, वह कम जाएगा। तो ये हम देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले ये वेपर प्रेशर है क्या, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, किस कंडीशन पे डिफाइन करते हैं, ये हम आपको बता दें। ये वेपर प्रेशर किस कंडीशन में डिफाइन होता है, तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, तो कोई कंटेनर में कोई अगर सॉल्वेंट लिए हुए हैं प्योर सॉल्वेंट, तो वह इवेपोरेट करना शुरू करता है समय के साथ। वह आपका क्या होगा, जब गैसियस फेज में आएगा कंटेनर का जो ओपन एरिया है, क्या है क्या है, ठीक है एक बार बता रहे हैं। जब यह आपका जो क्लोज कंटेनर है, इस क्लोज कंटेनर का जो ओपन एरिया है, जो वैकेंट एरिया है, उस वैकेंट एरिया में जो गैसियस मॉलिक्यूल है आपस में कोलाइड करेगा, और जब कोलाइड करेगा तो वो फिर क्या करेगा, कंडेंस होगा, अपना एनर्जी रिलीज करेगा, तो कंडेंसेशन होगा, कंडेंस करेगा, और इस तरह से रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन चलना शुरू हो जाएगा, और एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। यह क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है इस लिक्विड के लिए। चलिए हम इसको लिखते हैं और फिर आगे देखते हैं, और ये जब समझ जाएंगे तो ये वेपर प्रेशर भी आपको जो है ये आसान हो जाएगा। मेरा टारगेट कहाँ पे है, अब हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मतलब है, वह सॉल्यूट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है, अब इससे मतलब है। अब इस पे उस सॉल्यूशन का प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे आपको मिलेगा। चलिए लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हेडिंग दीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हेडिंग दे दीजिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर को हम बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम यहां पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट देखिए, एक बार और समझिए, यह कंटेनर है, कैसा कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है। अब इस क्लोज कंटेनर में हम कुछ अमाउंट या आपका प्योर सॉल्वेंट का लिए हुए हैं, प्योर सॉल्वेंट है किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे है, किसी पार्टिकुलर कंडीशन पे है, और जब यह पार्टिकल्स अगर इस कंटेनर में है तो यह पार्टिकल्स आपको पता है कि जो अपर लेयर वाला जो पार्टिकल्स है यह हाईली अनस्टेबल है। हम यह कहना जा रहे हैं कि यह अगर इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट क्यों होगा, यह इवेपोरेट क्यों होगा, इवेपोरेशन क्यों होगा, तो यह उसी तरह से इसको समझिए जिस तरह से आप अगर हम कह दें कि कोई अगर ये इसमें पार्टिकल्स है तो इसमें पार्टिकल्स कौन सा पार्टिकल सेफ है, कौन सा पार्टिकल, किस एरिया का पार्टिकल वह ज्यादा सेफ है, वह ज्यादा स्टेबल है, और कौन सा पार्टिकल्स हाईली अनस्टेबल। तो आपको पता है कि इसमें जो बीच वाला जो पार्टिकल्स है, ये सब पार्टिकल है, ये पूरा का पूरा क्या है, मोर स्टेबल है। क्यों मोर स्टेबल है, क्योंकि इस पार्टिकल का इस पार्टिकल के साथ चारों तरफ से आपका बराबर अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होता है। देखिए समझिए, वो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ने के लिए जो भी पढ़ना है वो पढ़िए, लेकिन ये हम जैसे है वो उस तरह से जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो टारगेट है कि आपका कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। वो कौन पहले दिया है कौन बाद में दिया है उससे हमको मतलब नहीं है, हम यहाँ पे ये दिखा रहे हैं इस लेवल से। कहता है कि इसका जो बीच वाला जो पार्टिकल्स है, यही से सब कंसेप्ट आपका निकल जाएगा, ये बेसिक पॉइंट्स आप समझ लीजिए, सॉल्युबिलिटी वाला भी कंसेप्ट आपको दिखने लगेगा। ये जो बीच वाला पार्टिकल्स है यह मोर स्टेबल है, क्योंकि इस पार्टिकल पे जो तरफ से क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है,
लेकिन इस सरफेस पे जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, सपोज कीजिए इस पार्टिकल को लेते हैं, इस पार्टिकल का फोर्स इधर का पार्टिकल ये सब कर रहा है, ये इधर के साथ ये इंटरेक्ट हो रहा है, इसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, लेकिन इस पे इधर से ये पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए कोई ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, यहाँ पे ऊपर से कोई पार्टिकल का अट्रैक्शन नहीं लग रहा है, ऐसे समझ। जैसे मान लेते हैं कोई अगर कोई दंगा हो रहा है, या कोई अगर रैली कर रहा है, अगर मतलब कोई कुछ भगदड़ हो रहा है, अगर कुछ रैली अगर आप कर रहे हैं और उसमें अगर कहीं किसी से अगर आगे से अगर पुलिस के द्वारा या किसी प्रशासन के द्वारा अगर आपका लाठी चार्ज होता है, तो उस कंडीशंस में अगर बहुत सारा अगर लेयर है, बहुत सारे लोग का क्राउडनेस है, उस क्राउडनेस में कौन व्यक्ति जो है वह ज्यादा सेफ रहेगा, जो फ्रंट पे रहेगा वह वाला या जो बीच में रहेगा वह वाला? सिंपल सी बात है, आप जानते हैं बीच वाला पार्टिकल क्या रहता है, सेफ रहता है बीच वाला, क्योंकि आगे जो है बहुत सारे लोग हैं, अगर किसी तरह से अगर इफेक्ट होता है, किसी तरह से अगर अटैक होता है, तो उस अटैक को आपका इफेक्शन जो होगा वह किस आगे वाले रोके होगा, वो बीच वाला क्या रहेगा, वो सेफ रहेगा, अगर आगे से अटैक हो तब भी, अगर पीछे से भी अगर अटैक हो तब भी, वो सारे कंडीशन में क्या हो, चारों तरफ से बैलेंस है। लेकिन जो अगर फ्रंट पे है वो आगे से सब पहला आपका जो वार जो अटैक होगा वो सेफ वह फील करेगा। इसलिए जिस तरह से हम लोग आपका अगर सेफ अगर हम फील करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, बहुत सारे बीच में हम एकदम क्या हो जाते हैं, एक झुंड बना लेते हैं, उसमें बीच वाला पार्टिकल क्या रहता है, वो सेफ। उसी तरह से इस लिक्विड का जो ये बीच वाला पार्टिकल्स है, यह आपका क्या है, यह स्टेबल है, चारों तरफ से बराबर इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है आपका लग रहा है। लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल है उसको देखिए, ये पार्टिकल बैलेंस कर रहा है, इसके बाएं दाएं ये पार्टिकल जो आपका लग रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होगा रिपेल कर रहा होगा, इधर नीचे की तरफ बहुत सारा पार्टिकल है, ये उसको अट्रैक्शन रिपल्शन उसके बीच में हो रहा होगा, लेकिन इस लेयर के बाद इधर कोई पार्टिकल नहीं है, उस पार्टिकल के साथ उसका कोई अट्रैक्शन कोई आपका रिपल्शन नहीं लग रहा है, और यह अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं रहने के कारण यह पार्टिकल क्या है, यह अनस्टेबल है, और इसी अनस्टेबल के कारण यह पार्टिकल क्या होता है, यह अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यह आपका मूव करता है, और यह मूव आपका जिधर की तरफ प्रेशर कम रहेगा, जिधर की तरफ आपका अट्रैक्शन कम रहेगा, उधर की तरफ जो है आपका क्या करेगा, यह मूव कर जाएगा। ये तो पार्टिकल इधर की तरह अट्रैक्ट कर रहा है, अब यह पार्टिकल ये आपका मूव करेगा, तो ये जो अनस्टेबिलिटी के कारण जो अपर लेवल वाला जो पार्टिकल है यह आपका ऊपर की तरफ क्या होगा, यह मूव करने लगेगा, और इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, और इसका रेट जो है आपका शुरू में इनिशियली इसका रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये आपका जो है ये यहाँ पे इसका अमाउंट ये कंप्लीटली वैकेंट है, तो यहाँ से आपका क्या करता है, ये वैकेंट करता है, तो ये फुलफिल कर दिया। जैसे सपोज कीजिए अगर गेट बंद है, इस क्लासरूम का गेट बंद है, और इसमें जो है हम कह रहे हैं कि 50 बच्चे का कैपेसिटी है, और बाहर जो है 100 बच्चे को हम क्या किए हैं, वेट करा रहे हैं कि ये आपका क्लास ओपन होगा, डोर ओपन होगा, आपको इन करना है। तो अगर किसी का कोई स्थान अगर फिक्स नहीं है तो कैसे इन करते हैं, काफी तेजी से इन करते हैं, काफी रस्ट के साथ भी इन करते हैं, और इस शुरू शुरू में जो है क्या होता है, वह आपका आने का रेट क्या होता है, ज्यादा होता है, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, और एक समय ऐसा आएगा कि इसमें आपका और इन 50 है तो मान लिया 60 बच्चे आए, फिर आपका 40 बच्चे आएंगे क्या, नहीं, तो अगर ज्यादा आ गए अगर आपका, तो वो उनको बाहर भी जाना पड़ेगा। तो इस तरह से यह आपका आने का रेट ज्यादा था, फिर उसके बाद में वह एक समय आएगा जिसपे आपका यहाँ से पार्टिकल आपका निकलना शुरू हो जाएगा, और यह जो निकलने का रेट हो गया और जो आने का रेट है, इसके बीच का एक इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और इस इक्विलिब्रियम को ही हम सॉल्यूशन के केस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इसी डायनेमिक इक्विलिब्रियम पर हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। तो चलिए, ये आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यह इवेपोरेशन हो रहा है, यह क्या हो रहा है, इवेपोरेशन, और मान लेते हैं यहाँ का इवेपोरेशन का जो रेट है वो आपका आर ई ले लेते हैं, आर ई, यह क्या है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन हुआ, इसमें जो आप पार्टिकल है ये आपका ये आ गया। अब क्या होगा, कुछ समय के बाद आप पाएंगे कि ये जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स जो इवेपोरेट हुआ है, एक समय ऐसा आएगा कि जब यहां का कहां का इस वैकेंट स्पेस का जब मॉलिकुलर आपका
नंबर इंक्रीज करेगा तो यह पार्टिकल आपस में एक दूसरे से क्या करेगा, कोलाइड्स करेगा, और यह कोलाइड्स मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हो सकता है, पार्टिकल पार्टिकल के बीच में हो सकता है, या इस पार्टिकल का इस कंटेनर के वाल से हो सकता है। और जब कोलाइड होगा, जब कोलिजन होगा, तो उसके दौरान वो अपना एनर्जी क्या करेगा, वो लॉस्ट करेगा। जब एनर्जी लॉस्ट करेगा तो वह पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, वह आपका यहाँ पे अपने पुराने स्टेज में यहाँ से क्या होगा, वह इवेपोरेशन का जो है आपका फेनोमेनन शुरू करेगा, एनर्जी लॉस करेगा, देते जब का वहां पे इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। अब यह पार्टिकल क्या करेगा, यह इवेपोरेट करना शुरू करेगा। देखिए अभी यहाँ पे यह इवेपोरेशन हुआ, अब जो है एक समय आएगा जहां पे क्या होगा, यह कंडेंसेशन होना शुरू करेगा। कंडेंसेशन इवेपोरेशन तो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या होने लगा, कंडेंसेशन होने लगेगा। इवेपोरेशन मेरा हुआ है और इस इवेपोरेशन के बाद मेरा क्या हो रहा है, कंडेंसेशन भी हो रहा है। दैट इज यह कंडीशन आपका क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन का आपका होना शुरू हुआ। और इसको हम क्या कर देते हैं, नोट कर देते हैं, ये आर सी कर देते हैं, दैट इज क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ कंडेंसेशन। आपको क्या लगता है, यहाँ रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों का अलग अलग रेट होगा? एक ऐसा समय आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक ऐसा समय आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक ऐसा समय आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। नहीं समझे, यानी जितना पार्टिकल इवेपोरेट हुआ उतना ही पार्टिकल क्या हो रहा है, यह गैसियस मॉलिक्यूल्स लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है। देखिए एक इवेपोरेट कर रहा है, दूसरा कंडेंस कर रहा है, एक इवेपोरेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, कंडेंस कर रहा है, एक इवेपोरेट दूसरा कंडेंस। और इस तरह से यहाँ पे हम आपको लिखाना चाह रहे हैं कि यह rate of evaporation become equal to rate of condensation, और this condensation is called dynamic equilibrium। इसको क्या बोलते हैं, dynamic equilibrium। और इस equilibrium पे अभी भी जो इसमें gaseous molecules है, वह gaseous molecule जो pressure developed करेगा, इसी pressure को हम क्या बोलते हैं, यहीं पे define करेंगे क्या चीज, vapor pressure लिखेंगे, वेपर प्रेशर। तो चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिए, इस पॉइंट को हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, और ये माइन्यूट लेवल पे हम इसका स्टडी आपको कराना चाह रहे हैं। ये अगर दिखने लगा तो पार्टिकल क्यों इवेपोरेट हो रहा है, पार्टिकल क्यों कंडेंस हो रहा है, ये अगर आपको समझ में आएगा तो आगे बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। देखिए क्या कहता है, पार्टिकल जो है यह बीच वाला पार्टिकल वह मोर स्टेबल फॉर्म में है, इसको चारों तरफ से इंटरेक्शन आपका सेम लग रहा है, और इस तरह से बैलेंस फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रहा है, जबकि ये ऊपर लेयर वाला जो है पार्टिकल्स है इस पे बैलेंस फोर्स नहीं लगने के कारण ये इवेपोरेशन शुरू हो गया। जब इवेपोरेशन हो गया तो पार्टिकल आपका जो है, जैसे इधर आपका मॉलिक्यूल गैसियस फेस में अगर संख्या बढ़ा, ये आपस में कोलाइड करेगा, कंटेनर से कोलाइड करेगा, और वो कोलाइड करने के बाद में जो अपना एनर्जी लॉस करेगा, जिसके कारण कंडेंसेशन होगा, वो कंडेंसेशन होने लगेगा। और एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा समय आएगा जहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और ये आपका कंडीशन डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे जो नेट फोर्स जो एग्जर्ट होगा, दिस फोर्स इज कॉल्ड क्या, वेपर प्रेशर। लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, नेट प्योर सॉल्वेंट इज टेकन इन a container, closed container, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और यहां से लिखिएगा, let pure solvent is taken in a closed container। हम प्योर सॉल्वेंट को क्लोज कंटेनर में ले लिए हैं, और हम देख रहे हैं कि इसका जो सरफेस, जो लेयर का जो पार्टिकल्स है वो अनस्टेबल ड्यू टू unbalanced
ऑन बैलेंस फोर्स ऑन सरफेस पार्टिकल ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स ऑन सरफेस पार्टिकल्स. इस सरफेस पार्टिकल पे जो अनबैलेंस फोर्स लग रहा है इसी के कारण ये पार्टिकल क्या कर रहा है, इवेपोरेट करना शुरू कर रहा है. पार्टिकल्स बिकेम इवेपोरेटेड. To fulfill the vacant space of container in gaseous phase. लिख लीजिए. कहता है let pure solvent is taken in a closed container. Due to unbalanced force on surface particle, particle became evaporated to fulfill the vacant space of container in gaseous state. लिखिएगा. प्रयोग चिन्ह करके हम ऊपर लिख देते हैं. Particles in gaseous state collides किसके साथ collide करेगा, with molecules या particles and also with the surface of container. मैं लिख रहा हूं particle in gaseous state collides with another particles as well as the wall of container, hence lost their energy. Consider as well as the wall of container to lost their energy. Hence, condensations occurs. Yeah. In container. Both evaporation and condensations in container, both evaporations and condensations continue and इसको मिटा रहे हैं, कहां मिटाए, इसको मिटा देते हैं. इन कंटेनर बोथ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कंटिन्यूड एंड ए टाइम इज रीच्ड वेयर the rate of evaporation become equal to the rate of condensation. These conditions
इज नोन एज, इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, नोट कर लीजिए, और नोट करने के बाद मिटाएं, है सेशन एंड होने वाला है, आप थोड़ा सा इसको देख लीजिए, लिख देते हैं, इसको मिटा दें। अब देखिए ये इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगा, और अब यहाँ पे कहता है, यहाँ वेपर प्रेशर को डिफाइन कर देते हैं, कहता है आप चेंज करके लिखिएगा, द नेट प्रेशर, नेट प्रेशर डेवलप इन कंटेनर एट द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, एट द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम एट द कंडीशन ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। और भी टर्म है जिसमें हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं, हम इस सॉल्यूशन को पढ़ने के लिए वेपर प्रेशर को हम यहाँ इसी टर्म में डिफाइन करेंगे, इज कॉल्ड क्या, वेपर प्रेशर। ठीक है, यह है वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर कौन कौन सा फैक्टर है जिसपे डिपेंड करता है, वेपर प्रेशर कब बढ़ जाएगा कब घट जाएगा, यानी किसी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर कुछ है, अगर उसमें हम सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर या तो बढ़ भी जा सकता है या घट भी सकता है, कब बढ़ेगा कब घट